स्टार्ट विद द फेशियल नर्व, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेशियल नर्व के हमारे पास चार न्यूक्लियस होते हैं, मेन मोटर न्यूक्लियस, लैक्रिमल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस, जो कि ये हमारे पास 10th और 9th के साथ शेयर करता है। अब ये न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस का है, 9, 10 और 7, N for 9, T for 10, S for 7, इन तीनों के लिए ये शेयर होता है सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो इसके हमारे पास दो रूट्स बन जाते हैं, मोटर और सेंसरी रूट। सेंसरी रूट जो है वो हमारे पास एस नर्वस इंटरमीडियस पड़ा हुआ होता है, और हमारे पास मोटर रूट की अगर हम बात करें तो मोटर रूट जो है वो इसका एब्ड्यूसर न्यूक्लियस के गिर्द पहले चक्कर लगाता है, उससे हमारे पास फेशियल कॉलिकुलस बनता है। फेशियल कॉलिकुलस बनता है और हमारे पास ये पॉन्टोमेडुलरी जंक्शन से इमर्ज करती है। इमर्ज करने के बाद ये हमारे पास पोस्टीरियर क्रैनियल फॉसा में आ जाती है। पोस्टीरियर क्रैनियल फॉसा में विद द वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जाती है एक्सटर्नल अकूस्टिक मीएटस से बाहर आ जाती है। अब फेशियल केनाल में आ गई, ये आ गई मीडियल वॉल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी पे, जहाँ पे जेनिकुलेट गैंग्लियन के पास आ जाती है। पोस्टीरियर वॉल ऑफ मीडियल वॉल पे पहले आ जाती है, फिर आ जाती है पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल हेयर पे, फिर ये हमारे पास इमर्ज करती है टेम्पोरल बोन से थ्रू स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामिन। स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामिन के बाद ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड में एंटर करती है और टर्मिनल ब्रांचेस दे देती है। इसके चार न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, कौन कौन से, मेन मोटर, लैक्रिमल न्यूक्लियस, ट्रैक्टर सॉलिटेरियस और सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस। ये चारों जो हैं ये हमारे पास एग्जिट लेंगे और ये हमारे मोटर नर्व बनेगी। मोटर नर्व बनने के बाद ये जो ऊपर वाली है ये इसको हम नर्वस इंटरमीडियस कहेंगे, ये फेशियल नर्व बन जाएगी। फेशियल नर्व जो है हमारे पास विद द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो है हमारे पास इंटरनल अकोस्टिक मियाटस से बाहर आएगी। इंटरनल अकोस्टिक मियाटस से बाहर आने के बाद ये हमारे पास आगे पैरोटिड ग्लैंड है ना, उसके अंदर आके ये टेम्पोरल, ये ब्रांचेस, टर्मिनल ब्रांचेस देगी। टर्मिनल ब्रांचेस तो हम सबको आते हैं, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल, मैंडिबुलर और सर्वाइकल, ये हमारे पास इसकी टर्मिनल ब्रांचेस हैं। मज़ीद ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास नर्वस इंटरमीडिएट से, हमने कहा था कि ये जब जाती है तो ये यहाँ पे फेशियल नर्व से आगे ये जेनिकुलेट गैंग्लियन आ जाता है। जेनिकुलेट गैंग्लियन से आगे ग्रेटर पेट्रोसल नर्व बन जाती है, वो डीप पेट्रोसल नर्व के साथ मिलके डीप नर्व टू टेरिगॉइड केनाल बनाती है। इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व टू स्टेपीडियस कॉर्डा टिम्पनी, उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर डायगेस्ट्रिक स्टाइलोहाइड, ये ब्रांचेस हम लोग को आती हैं, और उसके बाद कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस देती है एडजेसेंट क्रेनियल नर्व्स को। कौन कौन सी, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व टू स्टेपीडियस कॉर्डा टिम्पनी, कॉर्डा टिम्पनी टेस्ट सेंसेशन के लिए है। नर्व टू स्टेपीडियस जो है वो स्टेपीडियस मसल मिडल एयर के अंदर पड़ा होता है, उसको डैम्पनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। अगर हमारे पास फेशियल नर्व डैमेज होगी तो हमारे पास वो डैम्पनिंग इफेक्ट नहीं होगा और हम लोग ऐसे लगेगा जैसे बहुत शदीद शोर है। डायगेस्ट्रिक स्टाइलोहाइड और पोस्टीरियर ऑरिकुलर को भी की भी इसकी ब्रांचेस